एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधोली कला में स्थित जिटोली गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 8 किलोमीटर है, तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 10 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने सरोज कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारियों ने सौंपी है। लगभग 3500 की आबादी एवं 2000 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 385 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 70 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंप रिवोल कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 300 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 7 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए 2 नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 130 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, खेल का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। जी भैया, मैं अरविंद कुमार, प्रधान पति ग्राम पंचायत जिटोली, विकास खंड धोरकला। मैंने भैया अपनी ग्राम पंचायत में 1 खंजा, 2 नाली और 130 के लगभग शौचालय और काम चल रहा है उस पर, और एक पुलिया है, एक गांव की मेन पुलिया है। उसके बाद मनरेगा के अंतर्गत 2 चक्रों पर मिट्टी कार और 7 सोलर लाइट है। या हमारी ग्राम पंचायत के अंदर बहुत गरीब लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, और उन्हें लाभ मिलना चाहिए। और हमारी ग्राम पंचायत में खेल का मैदान नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और बारात घर भी नहीं है। और भैया जी, किस्त भी थोड़ी कम आती है, किस्त को बढ़ाया जाए जिससे विकास कार्य आगे बढ़े। हमारी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी मेन समस्या है पानी की। पानी खारी है गाँव में, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। हैंडपम्प 1 साल नहीं चलते हैं तब तक गल जाते हैं। गांव के पास ईशन नदी है, गांव में तालाब भी है 9 बीघे का लगभग, और उसमें जो नाला है ईशन नदी से पोखर तक, तालाब तक, वो नाला बिल्कुल ब्लॉक है। मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों से काम करना चाहे लेबर कर नहीं पाती वहाँ पर, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत है। इसके लिए कोई अगर उपाय हो कि केवल 2-3 महीने चली थी वो टंकी बंद हो गई, खराब है, उसके लिए कई बार एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं ग्राम निवासी जिटोली अनिल कुमार, हमारे गांव के प्रधान जी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रधान भी क्या कर सकता है, जब ऊपर से कोई पैसा या सुनवाई नहीं होगी तो प्रधान अपनी घर से तो नहीं कराएगा, उसके लिए ऊपर से योजना मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जिससे गांव में जो समस्याएं हैं उनमें सुधार आए और वो बढ़िया तरह सुधार करा सकें।